राशि दिलेक और नमस्कार। आज की कुछ खास खबरों के साथ मैं सांग ड्रामा। आज ऑल अरुणाचल प्रदेश ट्रांसपोर्ट फेडरेशन तावांग यूनिट ने अपना चौथा स्थापना दिवस मनाया। इस कार्यक्रम में एडवोकेट पेमा सेवांग एमएमटी तावांग यूनिट के वाइस प्रेसिडेंट मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। लुमला कंस्टिट्यूएंसी के दौरे में पहुंचे मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने जिमिथांग में संबच्चु 3000 किलोवाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इस समारोह में मुख्यमंत्री के साथ पालिन के विधायक एवं एडवाइजर टू मिनिस्टर पावर बालो राजा, स्थानीय विधायक एवं एडवाइजर टू मिनिस्टर आरडब्ल्यूडी एंड प्लानिंग चंबे ताशी और हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के एमडी तोको अनुज एवं लुमला क्षेत्र के अधिकारी गणजन नेता और जनता शरीक हुए। आज अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने लुमला के नए बीडीओ ऑफिस, जमसे काचल कम्युनिटी स्कूल के फैमिली रेस्ट हाउस, डाइनिंग बिल्डिंग, एमपी थिएटर का उद्घाटन किया। साथ ही अपने लुमला दौरे में पहुंचे मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ऑल लुमला में अस्पताल का भी उद्घाटन किया और एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के नए बिल्डिंग का भी उद्घाटन किया गया। अरुणाचल प्रदेश पीडीएस कैरेज कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्ना योजना, जो कि मुफ्त राशन है, उसे कैरेज करने को मना किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए प्रेसिडेंट संगा तागिक मासांग ने कहा कि हमने 15 महीनों तक कोरोना काल में बिना अपने स्वास्थ्य की चिंता किए पीडीएस का हर राशन सही समय में पहुंचाया, लेकिन अभी तक हमें राज्य सरकार से 15 करोड़, जो कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्ना योजना का है, और 14 करोड़, जो सामान्य चावल कैरेज का बिल हुआ है, वह क्लियर नहीं किया गया है। तो जब तक ये सारे बिल नहीं क्लियर हो जाते, उनको कैरेज करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते उन्होंने चावल की कैरेज करने से मना किया है। आगे तेल की बढ़ती कीमतों को भी देखते हुए उन्होंने यह मांग की कि फिलहाल जो कैरिंग रेट है उसे बढ़ाकर कठिन जगहों के लिए 327 रुपये बनाए जाए और अनुकूल जगहों के लिए उसे 100 रुपये कर दिया जाए। और इन्हीं कुछ खबरों के साथ मैं सांग ड्रामा कैमरामैन तेन संगे के साथ आप सबसे लेती हूँ इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नए समाचारों के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।